अगला क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अवेंडर बॉट टॉफीज एट 6 for a rupee, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें करना है, इसको समझना है। 6 for a rupee का मतलब क्या है, बॉट का मतलब क्या है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू, दिस इज CP ऑफ 6 टॉफीज। 6 टॉफीज मिल रही हैं आपको कितने में, 1 रुपीज में, ठीक है, 1 रुपीज में। हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। तो हाउ मच फॉर अ रुपी, ये तो बात का क्वेश्चन है, लेकिन उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट कितना, 20%, देयर फोर SP ऑफ 6 टॉफीज विल बी, 6 टॉफीज का ही मैं क्या निकालता हूँ, SP। सो SP इज अ फंक्शन ऑफ CP, ठीक है। CP इज 1, 20% प्रॉफिट का मतलब है 120/100, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12/10 रुपीज़, ओके। SP ऑफ 6 टॉफीज, या 1.2 रुपीज़ ऑल्सो यू कैन से। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 1 रुपये में, अब यहाँ पर सी दिस इज 1.2 रुपीज़, अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब आपने यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि अगर मैं 1.2 रुपीज़ की जो टॉफ़ी बेच रहा हूँ, वो मैं कितनी टॉफ़ीज़ बेच रहा हूँ, 6 टॉफीज़ बेच रहा हूँ, तब जाकर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। मुझे लेकिन 1 रुपीज़ में टॉफ़ी बेचनी है, तो 1 रुपये में 6 से कम होगा, लेस। तो लेस का फॉर्मूला यू नो दैट, लेस बाई मोर इंटू इंडिविजुअल वैल्यू। डायरेक्टली आई एम राइटिंग लेस अपॉन मोर, मोर इज़ 1.2 into 6 टॉफीज़, ठीक है, ओके। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, एंड 12 5 जै 60, आंसर विल बी 5 टॉफीज़।